तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों के साथ में दिक्कत ये होता है कि उनका जो जमीन होता है उनका कागज उनके पास नहीं होता है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होता है उनका नहीं होता है। एंड बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि उनके फैमिली में कोई चाचा हो गया, कोई ताऊ हो गया, तो उनसे वो डॉक्यूमेंट छुपा के रखते हैं, तो उनके पास प्रॉपर जो जमीन का मेन जो डॉक्यूमेंट होता है उसका कागज नहीं हो पाता है, इस वजह से उनको कुछ भी नॉलेज नहीं हो पाता अपने जमीन को लेकर। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने जमीन का कागज अपने ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल से ही। बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि आपके पास अगर आपके खाता नंबर है या खेसरा नंबर है या प्लॉट नंबर है तो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन अपने जमीन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। यहाँ पे आप लोगों को पूरा लाइव प्रोसेस में समझाने वाला हूँ, सिंपल सा सारा स्टेट का प्रोसेस जो रहेगा सब साफ रहेगा, सब सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा घुमाव नहीं है कि हाँ आप लोगों को समझ में ना आए। यहाँ पे सिर्फ समझने की बात यह है कि वहां पे आपका पर्सनल डिटेल पे क्या क्या वहां पे मांगा जा रहा है, आपको वो डिटेल फिल करना होता है। तो चलिए आगे के इस वीडियो में सीधे मैं आपको अपने मोबाइल से ही डाउनलोड करके दिखाऊंगा एंड फुल लाइव यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को टोटल समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे एंड यहाँ पे मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रोम ब्राउजर के थ्रू ही अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे लोड कर पाओगे, जो आपका जमीन का कागज है यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे इजी तरीके से। करने का सबसे पहले तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड ये डेस्कटॉप साइड आपको दिख जाएगा, इसको इनेबल कर देना, ब्लू टिक का मार्क आ जाएगा। डेस्कटॉप साइड का फायदा ये होगा कि आपका फोन टोटल लैपटॉप या कंप्यूटर की तरह ही दिखेगा, टोटल लैपटॉप कंप्यूटर की तरह ही वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आप किसी भी स्टेट से हो, जैसे कि आप यूपी से हो या एमपी से हो या आप महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, आपको सर्च करना है landrecord.go.in। आगे में आपको .in जब आप लगाओगे तो डॉट आपका एमपी है तो एमपी डालिए, यूपी है यूपी डालिए, या आप राजस्थान से हो वो आपका स्टेट आपको फिल करना है। उसके बाद उसमें जाके इजी तरीके से सेम प्रोसेस कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सबका सेम प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है। हाँ, जो बिहार से हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से एक साइट प्रोवाइड की जा रही है, जिस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप इसे इजी तरीके से ऑपरेट कर पाओगे। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे करना क्या होगा, bhoomijankari.go.in पे आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको वेबसाइट मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहां पे आपका जो ओरिजिनल जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। पहले ये लैंड रिकॉर्ड से यहां पे सब कुछ होता था, बट अभी भूमि जानकारी पे ही मिल रहा है। बाकी जो स्टेट का जो प्रोसेस है सब सेम है, इसी तरह आपको करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, व्यू एमबीआर का ऑप्शंस मिल जाएगा, यहां पे अलग-अलग ऑप्शंस मिलेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। व्यू रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपको अपना डॉक्यूमेंट लोड करने के लिए, मतलब कि डॉक्यूमेंट देखने के लिए तीन तरह का ऑप्शंस आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। तीन तरह का ऑप्शंस क्या है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। पहला ऑप्शंस, आप अपना यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो यहाँ पे मोजा होता है, एरियल सर्कल जो होता है, उससे आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट ले सकते हो, या नहीं तो डेट एंड टाइम, सीरियल नंबर या पार्टी नाम या पार्टी फादर्स नेम मदर्स नेम वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ले पाओगे, ये देख लीजिए। या अगर ये भी आपके पास नॉलेज नहीं है, ये भी आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे अभी क्लियर करूँ। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे एरिया का या खाता नंबर या प्लॉट नंबर, सिर्फ ये दो चीज़ खाता नंबर प्लॉट नंबर डालती आपका आ जाएगा, कैसे वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एंड उसके बाद एक और बात आप लोगों को मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँ, यहाँ पे ऊपर में देख लीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 टू टिल, अगर 2016 से अब के बीच में ही अगर आपका जमीन का डॉक्यूमेंट चाहिए तो इस पर आपको रखना है। यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे 2006 से 2015 तक रखना है तो इस पर आपको क्लिक करना है, ये देख लीजिए। नहीं तो आपको सबसे पुराना 2005 से पीछे का अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाता है, फेस वन या फेस टू। फेस वन फेस टू क्या है, फेस वन में आपको एक बार क्लिक करना है, अगर 2005 से पीछे का अगर आपको कागज चाहिए तो उसमें सर्च करना, अगर उसमें नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पे फेस टू पे आपको क्लिक करना है। रीजन, क्योंकि पीछे का जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही ज्यादा डॉक्यूमेंट है, इसी वजह से यहाँ पे दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए अब आगे हम यहाँ पे सर्च करके आपको दिखाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होता है उसे मैं सर्च करूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट मैंने क्लिक किया औरंगाबाद अपना फिल कर दिया, सेकंड यहाँ पे दोबारा औरंगाबाद, एंड उसके बाद आप इसे अच्छी तरह अपना फिल कर सकते हो, आपका यहाँ पे जो जो रहेगा वो सब फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पे मैंने अपना यहाँ पे फिल कर दिया, एंड बाकी बात करें यहाँ पे ऑप्शंस जो आपको देखने को मिल जाता है, मैंने अपना यहाँ पे जो मेरा एरिया सर्कल है मौजा है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा, वीव डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका यहाँ पे देख लीजिए सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो चुका है, उस एरिया में कितना लोगों का डॉक्यूमेंट है वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे आपको सर्च करना
करना है कि आपका नाम क्या है, आपका यहाँ पे देख लीजिए पार्टी नेम यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड जो प्रॉपर्टी डीलर्स है वो प्रॉपर्टी डिटेल का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, खाता नंबर एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करूँ, पता नहीं यार कैमरा इतना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं ऐसे क्यों दिक्कत हो रहा है, बार बार ब्लर कर दे रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए खाता नंबर मेरा 3 है एंड प्लॉट नंबर 74 है। आपको इसका डॉक्यूमेंट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। फर्स्ट पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एक और बात बता दूँ कि जो अभी न्यू डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा रहा है यहाँ पे, तो उसका कागज़ यहाँ पे मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे पब्लिश नहीं किया जा रहा है। रीज़न क्योंकि अपलोड इन करने में थोड़ा टाइम लगता है, जो पुराने डॉक्यूमेंट है उनका अपलोड हो चुका है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करते ही आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा यहाँ पे 5 सेकंड बाद लोड हो जाएगा। अभी देख लीजिए मैं आप लोगों को टोटल लाइव ही करके यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी देख लीजिए ये मेरा डॉक्यूमेंट लोड हो चुका है। अब इसे आप चाहो तो आप यहाँ से प्रिंट करवा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपने फोन में रख सकते हो या आप कैफे पे जाकर प्रिंट करवा सकते हो। तो चलिए एक ये तो तरीका हो गया कि हम अपने जमीन का डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। मैंने खाता नंबर एंड आपको जो इसका प्लॉट नंबर है वो मैंने बता दिया। आप देख लीजिए यहाँ पे खाता नंबर 3 है, प्लॉट नंबर 275 है। अब मैं आपको इसका खाते नंबर से यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो इधर में देख लीजिए खाता नंबर एंड प्लॉट नंबर मांगे गया, तो पहले तो मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे ऑलरेडी वहाँ पे फिल था तो अभी आपने कर दिया। अब देख लीजिए टोटल यहाँ पे रिफ्रेश हो गया, टोटल यहाँ पे सब 00 हो चुका है, ऑल पे हो चुका है। अब चलिए मैं सिर्फ खाता नंबर एंड प्लॉट नंबर से करता हूँ। खाता नंबर पे मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे 3 फिल करूंगा एंड प्लॉट नंबर मेरा जो था 275 मैंने यहाँ पे फिल किया एंड यहाँ पे नीचे में सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करते यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा बफिंग करेगा, सर्च लेगा, जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा इस प्लॉट में इस एरिया का लगभग वो यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, नेटवर्क आपका अच्छा रहा तो हो जल्दी हो जाएगा, नहीं अदरवाइज टाइम लगेगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अभी बुक टाइप 1 आपको दिख जाएगा, रिजल्ट में एक ही आया। यहाँ पे आपको व्यू ऑल डिटेल्स पे क्लिक करना है, क्लिक टू यहाँ पे एंड उसके बाद जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एंड आपका जो खाता नंबर है, सर्वे नंबर है वो देख लीजिए यहाँ पे आ चुका है, प्लॉट नंबर एंड खाता नंबर। तो चलिए दोबारा मैं इसको डॉक्यूमेंट पे, व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि है या नहीं है, नहीं तो आप लोग कहोगे फेक है, ऐसा वर्क नहीं करता है। अब देख लीजिए अभी यहाँ पे पीडीएफ फाइल नॉट अवेलेबल आपको शो करेगा, रीजन क्योंकि इसका खाता नंबर से 3 यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए प्लॉट नंबर एंड प्लस यहाँ पे नीचे में भी प्लॉट नंबर एंड खाता नंबर, प्लस यहाँ पे नीचे में भी खाता नंबर सेम वही है। तो इन्होंने इनके नाम पे प्रॉपर्टी ज्यादा है, मतलब कि सेल ज्यादा हुआ है इस खाता नंबर पे एंड इस प्लॉट नंबर पे, 2-3 अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी है तभी ऐसा दिक्कत आएगा। चलिए इस पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, आपको ऐसे ही चेक कर लेना अपना कि आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट है या नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड भी नहीं किया है, बहुत सारे पेज पे अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको अपना डॉक्यूमेंट लोड करना, अपना जमीन का कागज डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल से ही। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।